हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आई नो आई मस्ट बी लुकिंग सम काइंड ऑफ चंपू, बट ये मैं अभी जा रही हूँ कैरेटिन ट्रीटमेंट के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ कैरेटिन ट्रीटमेंट। तो मैंने बालों में ऑयलिंग कर ली है, ऑयल लगाया है, तो अभी मतलब पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस कैसा रहता है मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चलते हैं सीधा पार्लर में, मिलते हैं। सो मैं ऑलमोस्ट स्पा चुकी हूँ, उसका नाम है द ड्रीम यूनिसेक्स सलून। सो कैरेटिन ट्रीटमेंट कराने से पहले देख लेते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर मेरे हेयर। सो मेरा हेयर वैसे अच्छा ही है, कैरेटिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं नहीं कैरेटिन करा लेते हैं एंड लेट्स सी द डिफरेंस कि मेरे बाल अब कैसे हैं और कैरेटिन के बाद कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया विद सम शैम्पू, मैंने नाम ही नहीं पूछा, मैं भूल गई। सो या उन्होंने पहले मेरा हेयर वॉश किया। करने के बाद उन्होंने ड्राई नहीं किया बालों को, थोड़ा सा बस टॉवल से पोंछा एंड देन उन्होंने बालों के थोड़े थोड़े सेक्शंस निकाले और वेट हेयर में ही उन्होंने कैरेटिन क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड सी दिस इज़ हाउ दे आर यूजिंग दिस।
यार ये कैरेटिन क्रीम जो है, जो बालों के सेक्शंस ले ले करके लगा रहे हैं, उसको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गया, मतलब पूरे बालों में कैरेटिन लगा के। एंड देन वो अच्छे से उसको मतलब यू नो ब्लेंड भी कर रहे हैं उसमें। तो यस, इट टुक 40 मिनट्स ऑलमोस्ट। तो बालों में पूरा कैरेटिन लगाने के बाद इन्होंने बालों में एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया। एंड दे सेड 40 मिनट तक कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो चलो 40 मिनट तक वेट करते हैं, देन देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसके बाद। सो लेट्स हैव सम टी टिल देन। तो 50 मिनट ख़त्म हो गया है, फिर उन्होंने एल्युमिनियम फॉइल निकाला। एंड देन जो क्रीम लगाया है उसके साथ उन्होंने ब्लो ड्रायर यूज़ किया। तो इस सारे क्रीम को बालों में सुखाना है ब्लो ड्रायर के हेल्प से। एंड यस, मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही थी बिकॉज ऑफ द केमिकल। तो उन्होंने पहले वार्निंग दे दी थी कि थोड़ा सा आंखों में बर्न होगा। तो अब ब्लो ड्राई हो रहा है, लेट्स सी ब्लो ड्राई होने के बाद मेरे बाल कैसे दिखते हैं। ब्लो ड्रायर के हेल्प से उन्होंने पूरे कैरेटिन बालों में ड्राई कर दिया। एंड उन्होंने थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके फिर उसे स्ट्रेटनिंग करी। एंड वो जो जो भी कैरेटिन केमिकल है वो बर्न होके धुआं धुआं हो गया था पूरा। एंड स्टिल इट वाज बर्निंग इनटू माय आईज एंड इट वाज लिटिल डिफिकल्ट टू स्मेल। बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी इसमें से, जैसे जल जाता है अजीब सा ही। तो कैरेटिन का पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने पूरा स्ट्रेट कर दिया है बालों को, कितने ज़्यादा सिल्की स्मूथ लग रहे हैं। बट ये एक्चुअली में रियल में मैट फिनिशिंग है क्योंकि इसमें अभी क्रीम लगा हुआ है। तो आई होप आपको मेरे बाल अच्छे लग रहे होंगे। तो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो
सो मैं कैरेटिन ट्रीटमेंट करा के घर आ चुकी हूँ एंड अभी ये एक सेशन कंप्लीट हुआ है और इस तरीके का दिख रहा है. ऐसा लग रहा है ना मैट फिनिशिंग टाइप का, वैसे लग रहा है सो स्टिकी बिकॉज उन्होंने कोई क्रीम लगा के एंड उन्होंने कुछ स्ट्रेटनिंग हीटिंग कुछ करा जो भी है. सो तो अभी इसे मुझे 48 आवर्स तक रखना है ऐसा उन्होंने कहा. 48 आवर्स के बाद मुझे फिर से जाना है, देन सेकेंड सेशन होगा. सो देखते हैं. अभी शाइनिंग तो नहीं है, बहुत मैट है, शाइनिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो यहाँ बहुत स्ट्रेट हो गया है मेरे बाल और मुझे अब पता चला कि मेरे बाल काफ़ी लंबे भी हैं. सो इसे पानी में धोना भी नहीं है, मुझे बहुत केयरफुल रहना है. तो मुझे दो दिन तक इसे पानी में बिल्कुल नहीं भिगोना है. हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड नो क्लेचर भी नहीं लगानी, रबर बैंड भी नहीं लगानी, ऐसी ओपन रखना है. सो 48 आवर्स के बाद जाते हैं, देखते हैं कि फिर आगे क्या प्रोसेस करते हैं वो इसका. सो स्टे ट्यून्ड, आई एम एक्साइटेड.